हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के सेशन की बात करूं तो आप सबकी हाईली डिमांड थी कि सीआईएसएफ में एक सिलेक्शन प्रोसेस बता दीजिए। सिलेबस तो आप सब ने पढ़ लिया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने बहुत सारी वीडियोस देख लिए लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपका ख्वाब सीआईएसएफ में फॉर्म भर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। आपको बताऊंगा पूरी डिटेल कि आपको कैसे कॉल आएगा, सबसे पहला टर्म में क्या होगा, सेकेंड टर्म में क्या होगा, थर्ड टर्म में क्या होगा और फोर्थ टर्म में क्या होगा, और फाइनली आप वर्दी कैसे पहन सकते हो। और वो भी बताऊंगा पांच तरीके कि जिस वजह से आप अपना सिलेक्शन करवा पाओगे। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से नौकरी की अपडेट्स आती रहे तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। इसके साथ बताना चाहूंगा कि जैसे आप बेल को प्रेस करेंगे तो आप तक हमारे सभी लाइव क्लासेस, यानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है, चाहे वो पीपीएससी है, पीएससीबी क्लर्क है, पंजाब पटवारी है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होंगी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होंगी, स्पेशल रेलवे एग्जाम्स एंड ऑल्सो एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप इन सभी नोटिफिकेशंस को टाइम टू टाइम देख पाओगे और ताकि आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ पाओगे। एंड गाइस, आपको बताना चाहूंगा कि आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। जितने भी लोग गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार कर रहे हैं तो हम आपको आज पूरी डिटेल बताएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सीआईएसएफ में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। देखो, पेपर देने का एक मूड होता है। पेपर में हम लोग कितनी तैयारी करके जाते हैं, कितनी तैयारी नहीं करते, ये हमारे दैनिक काम पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको इसके बारे में जरूरी ध्यान रखना है कि आगे क्या क्या प्रोसीजर होती है। सबसे पहले मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया कि आपको कैसे ही प्रिपेयर करना है अपने पेपर को। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले आपको क्या होगा कि जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के एक महीने के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स, जो फॉर्म भरा होगा वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद में आपको फर्स्ट टर्म के अंदर फिजिकल प्लस, फिजिकल मीन्स आपकी कोई रनिंग नहीं होगी, आई मीन कि आपकी हाइट और प्लस आपका जो भी मेजरमेंट उन्होंने मांगा है, बॉयज के लिए चेस्ट का होगा, गर्ल्स के लिए स्पेशल हाइट का होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मींस कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगी। उसके बाद में एससी एसटी कैंडिडेट्स जितने भी हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो वहां पर इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको इस मुसीबतों का सामना करना पड़ा था 2017 के अंदर। तो आप ख्याल रखिएगा गाइस, मैं आपको इसलिए बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आप अपने नियर यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाइएगा, नगर निगम में जाइएगा, आप अपने सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में जाइएगा, वहां पर आपको ₹5 के खाली पेज मिलेगा, आई मीन की फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भरवा के आप अपने तहसीलदार एसडीएम से वेरीफाई करवाएंगे विद आपके स्टेट डॉक्यूमेंट के साथ में। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। क्या क्या लेके जाने बताना चाहूंगा कि आपकी रेजिडेंशियल प्रूफ यानी आपका मूल निवास, ठीक है, डोमिसाइल होगा, उसके साथ में नंबर टू आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, नंबर थ्री आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर आईडी होनी चाहिए, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको विद आपकी फोटोग्राफ तो ये जाना होगा जहां भी आपको बुलाया जाएगा। मैं पंजाब की बात करूं तो आपको चंडीगढ़ भी बुला सकते हैं, आपको दिल्ली में बुलाया जा सकता है, या आपको आउट ऑफ एरिया जैसे दिया जा सकता है तो वैसे ही आपको जाना होगा। उसके बाद में आपके पास एक रिटर्न कॉल लेटर होगा, वो वेरीफाई होगा, वहां जो आपके फॉर्म दिए जाएंगे उस फॉर्म के अंदर आपको फॉर्म दोबारा से फिल करवाएंगे ताकि आपके साइन दोबारा वेरीफाई हो सके। तो वहां पर आपको वेरीफाई का एक ठप्पा लगाकर स्टैंप लगाकर देंगे, तो वो आप प्रोफॉर्मा लेके आप रिटन एग्जाम में बैठेंगे। रिटन एग्जाम में आपको क्या पेपर में मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगी रीजनिंग, फिर इसके साथ में मैथ, फिर इसके साथ में जीके, इसके साथ में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जी हाँ, तो गाइस ये आप सबके लिए जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। अब आपने जब रिटन पेपर के अंदर काम क्या करना है, सबसे पहले कि जनरल कैंडिडेट्स हैं या ईएसएम कैंडिडेट्स हैं, आपको 35% मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी हैं। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 33% मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके 35 या 33 मार्क्स आ गए तो आप यहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं,
क्वालिफाई आप कैसे करेंगे, मैं आपको इसकी डिटेल दे देना चाहता हूं कि पिछले साल की बात करें तो जनरल की 72% कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100। अब आपको काम क्या करना है कि मिनिमम आपका प्रयास होना चाहिए किसी भी पेपर में आप नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा। अगर किसी भी पेपर में नेगेटिव नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर आपको कंसीडर इस बात पे करूंगा कि पॉजिटिव तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को कंसीडर करते हुए आप करेक्ट आंसर ही करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मिनिमम आपके 70% से ज्यादा मार्क्स पेपर में होने चाहिए, तभी ही आपको थर्ड टर्म के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 3 पर आपके पास क्या होगा कि आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया था, और आप दोबारा से नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा। जी हाँ, इसके बाद में क्या होगा कि जब फाइनली आपका एक वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन का मतलब कि आपका क्या होगा कि मेडिकल होगा। इस मेडिकल को पास होने के बाद में फिर आप क्या कर लेंगे कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि वर्दी पहनकर आप हेड कांस्टेबल का, एक आपके कंधे के ऊपर व्हाइट रंग की पट्टी लगने के बाद में आप हेड कांस्टेबल यानी हवलदार बन जाओगे। जी हाँ, ये गाइस मैंने आप सबको पूरी जानकारी दी। अब यानी बात आती है कि सिलेक्शन कैसे करवाया जाएगा। देखो, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जहां तक बात करूं, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन सिलेक्शन करवाने के लिए सीआईएस से पर्टिकुलर बात करूं तो पेपर बहुत नॉर्मल पेपर आएगा। इतना आसान पेपर होता है कि पेपर को देख के आप कहेंगे कि मेरे लिए पेपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पेपर में बहुत कुछ भी होता है, आपको जी जान लगा देनी है। रीजनिंग की बात करूं, सबसे पहले रीजनिंग कवर करवाने वाला हूं मैं आप सबको। इसके लिए गिल्ज मेंटोर के लगातार वीडियोस देखते रहिएगा। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको एक स्लाइड मिलेगी रीजनिंग की। रीजनिंग के सभी टॉपिक्स देख लीजिएगा, जैसे मैं रिपीट करूं कि अल्फाबेट हो गया, फिर उसके बाद में जैसे कि एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, फिर डायरेक्शंस हो गया, फिर ब्लड रिलेशन हो गया, फिर सेलुलिज्म हो गया। फिर गाइस इसके बाद की बात करूं तो जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, यानी 4 तरीके से जो आपको आएगी, चाहे वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट किसी लाइन में बैठना हो गया, क्या आपको टॉप एंड ऑर्डर में बिठाया जा सकता है, यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, मिसिंग हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में हो गया वेन डायग्राम्स हो गया, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करवाते रहेंगे, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद में मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल तरीके से, अगर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस भी तरीके की मैं आपको मैथ टीच करने वाला हूं, अगर आप इतनी मैथ्स के अगर नोट्स बना लेंगे, आप नोट्स का मतलब कि वीडियो देखें और जो मैं ट्रिक्स बताता हूं, ऐसी ट्रिक्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, और आप उन ट्रिक्स को अच्छे से नोट करके अपने उतनी क्वेश्चंस को आप रिपीट करेंगे तो आप पेपर में बहुत कुछ अच्छा करके आएंगे। इसके बाद में बात करते हैं कि जीके की। जीके की बात करूंगा तो मैं आपको पर्टिकुलर एक ज्ञानी आदमी ने हमें आज ज्ञान दिया था, वो मैं ज्ञान आपके साथ बांटना शेयर करूंगा। मैंने आज आपको पीपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस बताई क्योंकि मैं ऑलरेडी पीपीएससी कर चुका हूं, ठीक है, तो मैंने आपके सामने शेयर किया कि आपको बेसिक लेवल से लेकर अपने हाई लेवल की तैयारी कैसे करनी है। तो किसी ज्ञानी ने हमें ज्ञान दिया कि सर आपने इतनी बुक्स बता दी है, इतना बहुत ज्यादा टफ होगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तो यह पीपीएससी क्या कोई एक क्लर्क पोस्ट है कि मैं आपको कह दूं कि आप किरण की बुक पढ़ लीजिए, आप लुशन की बुक पढ़ लीजिए, आसान पेपर हो जाएगा। अगर काश इतना आसान होता तो हर पंजाबी बंदा कहां बैठा होता पीपीएससी में, या स्टेट गवर्नमेंट की हर एक पोस्ट पे बंदा सिलेक्टेड हो जाता, उसे शायद इतने टेस्ट क्लियर नहीं करने पड़ते। तो मैं आपको खुद यानी हमारी टीम के किसी न किसी मेंबर ने किसी इस भर्ती को फेस किया है, तो मैं तभी आपको पूरी डिटेल उनसे पूछ कर दे रहा हूं। हम ये डिटेल आपको उसी दिन भी दे सकते थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको आधी अधूरी जानकारी दें। तो प्यारे बंधु, जहां तक बात करते हैं कि जीके की, जीके के अंदर देखो प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपको करंट के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। करंट आप जहां से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, किसी मैगजीन से पढ़िए, इंस्टीट्यूट से पढ़िए, या किसी ऑनलाइन चैनल से पढ़िए, लेकिन आप गिल्ज मेंटोर के टेस्ट जरूर लगाइएगा। हम लोग जैसे वीकली टेस्ट कवर करवाते हैं, जो कि आपको मंडे के दिन यानी कल हम लोग इसका टेस्ट कवर करवाने वाले हैं, यानी जनवरी मंथ के सेकेंड वीक का। जी हाँ, इसके बाद में बताना चाहूंगा कि इसके साथ में जैसे कि आपको बेसिक्स क्वेश्चन सभी रिपीट होने चाहिए, और हमने अठारह सौ एमसीक्यू जीके जो कवर करवा रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू देखिएगा, उसके जरूर पीडीएफ पढ़िएगा। हमने एक बात और बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ नहीं मिले हैं, कि आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर चेक किया करिए, वहां पर हम आपको फ्री में पीडीएफ देना शुरू कर चुके हैं, प्लीज वहां विजिट कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि इंग्लिश की। इंग्लिश और हिंदी बहुत नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप अगर दोनों ये सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लुसेंट की बुक पढ़ लीजिएगा, लुसेंट इंग्लिश की और लुसेंट हिंदी की। अगर आप इस बुक्स को पढ़ लेंगे, देखिए हल्की फुल्की जैसे पर्यायवाचक, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, ये आप रिपीट कर लीजिए, इसी प्रकार से
समास, प्रत्यय और इसी प्रकार इंग्लिश के अंदर अगर आप सेंटेक्स जैसे ग्रामर पार्ट कवर कर लेंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा पेपर में कर पाओगे। आई होप अगर आप पेपर को 70% से 75% तक अटेम्प्ट करके आते हो तो यू आर इन द क्यू। अगर आप पेपर की डेफिनेटली लाइन में होंगे ये मेरी आपके साथ गारंटी है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो ये 5 तरीके सॉलिड हैं जिसे आप फॉलो करेंगे। रिपीट कर देता हूं, पहला तरीका मैंने बताया कि रीजनिंग हम कवर करवाएंगे। रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर अगर आपको बुक फॉलो करनी है तो कोई सी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई सी जो भी आपके पास हिंदी इंग्लिश पंजाबी मीडियम में है। मैथ्स की भी कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। मैंने पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए और जीके के लिए बुक बताई है, आप उसको अवश्य फॉलो करिएगा। अरियंत को फॉलो कर सकते हैं, लूशन को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, डिपेंड ऑन योर चॉइस, राइट। हम लोग सिर्फ आपको ये सिलेबस बीच बीच में कवर करवाते चलेंगे और मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आई होप आप पूर्ण तौर पर संतुष्ट होंगे और आप मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर किया करें। जी हाँ, अगर आप फ्री में टेस्ट सीरीज वगैरह या कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप किसी भी जो भी हमारा वीडियो होता है उसके कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। अगर वहां पर नहीं दिया होता तो आप हमारी साइट पर विजिट करिएगा www.gilzmentor.co.in पे। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि gilzmentor.co.in पे विजिट करके भी आप डाउनलोड कर पाओगे। और गाइस मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो शायद तक आपको हम ये प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमें हौसला मिलता है, हम काम करते हैं तो हमें आपसे एनर्जी मिलेगी कि हाँ यार हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। आप भी भूखे हो, आप भी चाहते हो कि कुछ बहुत कुछ अच्छा हो। ये एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सब लोग बहुत कुछ पेपर में रिगार्डिंग पेपर के सीखेंगे। थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।